नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां अधिकारियों की उदासीनता के चलते राष्ट्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों का हनन हो रहा था। साथ ही सीएमओ द्वारा क्लिनिक पर कार्यवाही न होने के चलते झोलाछाप डॉक्टर के हौसले बुलंद हो गए हैं। पत्रकार द्वारा खबर का प्रकाशन करने से बौखलाए डॉक्टर ने पत्रकार को फोन में गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी दी है। संवाद सूत्र के अनुसार मिली जानकारी में कोरोना महामारी के दौरान इलाज के नाम पर अधिक रुपयों की वसूली तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के संबंध में इंडियन प्राइम न्यूज द्वारा खबर का प्रकाशन हुआ था। उसके तत्पश्चात ही खबर का प्रकाशन होने से बौखलाए डॉक्टर अकील अहमद ने अपना आपा खो दिया और पत्रकार के साथ गाली गलौज करने लगे और अपने सहयोगी से फोन करवाकर देख लेने की धमकी दिलवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई है कि सीएमओ कानपुर देहात की कारगुजारी हुई उजागर अपने पद का गलत दुरुपयोग करते हुए झोलाछाप डॉक्टरों को बढ़ावा दे रहे हैं। संवाद सूत्र की माने तो सीएमओ कानपुर देहात की मिलीभगत से डॉक्टर अकील अहमद क्लिनिक शाहजहांपुर में संचालित है और मिलीभगत कर क्लिनिक में जमकर धन उगाही हो रही है। तथ्यों की माने तो सीएमओ की मिलीभगत से क्लिनिक बन रहा है अवैध वसूली का अड्डा। अब देखना यह होगा कि पत्रकार से भद्रता करने वाले पर और चौथे स्तंभ के साथ गाली गलौज तथा अवैध रूप से अस्पताल का संचालन करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, या ऐसे ही लगातार धड़ल्ले से अवैध कार्य करते रहेंगे। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट।